हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों का इंग्लिश, आप लोगों का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है क्लास सेकेंड में, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है द कलरफुल बटरफ्लाई। क्या है इसका नाम बेटा? द कलरफुल बटरफ्लाई। तो चलिए हम इस कहानी में कलरफुल बटरफ्लाई, ये जो हमारा स्टोरी टाइम है, इसमें क्या क्या कह रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा द कलरफुल बटरफ्लाई है बेटा, तो देखो इसके लास्ट में है ए नेटिव अमेरिकन लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है पारंपरिक कहानी, मीन्स लघु कथा, जिसे हम लोग पारंपरिक कहानी, जिसे हम लोग जैसे कि यह एक पारंपरिक कहानी है, ये जो हमारा द कलरफुल बटरफ्लाई है, लघु कथा इसे हम बोल सकते हैं। ये जो लघु कथा है इसे हम आपको कैसे समझाएं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना मन ग्रंथ कहानियाँ, जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल्स से हम लोग नहीं कहते हैं, जो बारिश भी होती है, बारिश के मौसम में बारिश भी होती है, धूप भी निकल आती है, तो हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग की जो दादी थी ये सब कहती थी, जो कि ये गिदर 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 की सियार की शादी हो रही है, जैसे कि टूटते हुए तारे को देख के कहते हैं इनसे विश मांगो तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, आप जो भी अपने मन की विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो ये सब हमारी क्या है, एक पारंपरिक कहानी है, मन ग्रंथ कहानियाँ हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में बेटा हम आप लोगों को रीडिंग के साथ साथ, पहले रीडिंग करा रही हूँ, रीडिंग के साथ साथ आपको इसका अर्थ भी बताती हूँ, मीनिंग भी बताती हूँ। तो है लॉन्ग लॉन्ग एगो, यहाँ पे हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं, रीडिंग करने की भी तरीका होती है बेटा, जब हम रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले जहाँ कॉमा है, फुल स्टॉप है, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है जो कि हम पढ़ते चले गए। अब जैसे कि है यहाँ पे लॉन्ग, फिर यहाँ पे कॉमा है लॉन्ग एगो, है लॉन्ग लॉन्ग एगो When God had just created the world, created का मतलब होता है बनाना, means निर्माण करना। तो कह रहे हैं बहुत 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 पहले की बात है, when means यहाँ पे होगा, when का मतलब हो जाएगा जब, when God had just created the world, जब God ने, जब भगवान ने, ईश्वर ने क्या किए, इस दुनिया का निर्माण की, world, world means होता है दुनिया, इस दुनिया का निर्माण किए। He also created a good man called elder brother. जब उन्होंने हमारे इस दुनिया का निर्माण किए तो क्या हुआ, उन्होंने ही, यहाँ पे क्या है, he also created a good man, उन्होंने क्या किया, एक अच्छे आदमी का भी निर्माण किया, जिसका नाम क्या है, इल्डर ब्रोदर, जिसका नाम इसमें क्या दिया गया है बेटा, इल्डर ब्रोदर। तो ये है, एक बार फिर से सुनिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हेन गॉड हैड जस्ट क्रिएटेड द वर्ल्ड ही आल्सो क्रिएटेड ए गुड मैन कॉल्ड इल्डर ब्रोदर। कह रहे हैं जब गॉड ने, जब ईश्वर ने, जब भगवान ने बहुत पहले इस दुनिया का निर्माण किया, तो उन्होंने एक अच्छे इंसान का भी निर्माण किया, जिनका, जिन्हें वो क्या बुलाते थे, इल्डर ब्रोदर। उनका क्या नाम था, इल्डर ब्रोदर। Elder brother walked around earth to enjoy the beauty of it. और वो जो elder brother थे वो घूम रहे थे, कहाँ पे घूम रहे थे, अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे थे, और उस पृथ्वी पे जो हमारा ये सुंदर हमारा जो ये सुंदर बाग बगीचा है उसमें वो अपना enjoy कर रहे थे, घूम रहे थे। तो he watched the young children, फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा वहाँ पे एक यंग चिल्ड्रन, मिस यंग चिल्ड्रन क्या कर, बच्चे वहाँ पे घूम रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे एक यंग चिल्ड्रन को देखे। दे वेयर प्लेइंग एवरी वेयर ऑन द अर्थ, द एल्डर ब्रदर लुक्ड एट देम हैप्पीली। और वो जो एल्डर ब्रदर थे वो सारे पृथ्वी के चारों ओर सभी जगह पे घूमे, और क्या उन्होंने क्या देखे, जो यहाँ पे जो सभी क्या है, सभी हैप्पी हैं, सभी खुश हैं। हाउ हैप्पी द चिल्ड्रेन आर टुगेदर इल्डर ब्रदर, दे लव द सॉफ्ट रेन, द कलरफुल फ्लावर्स एंड द ग्रीन ग्रास। कह रहे हैं तो सबसे पहले तो वो इल्डर ब्रदर जो थे उन्होंने ये सोचा, जो हाउ हैप्पी द चिल्ड्रेन आर, यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे खुश हैं। थॉट इल्डर ब्रदर दे लव, और उन्होंने सोचा
दे लव द सॉफ्ट रेन द कलरफुल फ्लावर्स एंड द ग्रीन घास. और उन्होंने सोचा जो ये लोग ये कलरफुल फ्लावर्स को देख के कलरफुल कलरफुल मीन्स होता है रंग बिरंगी फूलों को देख के खुश हैं, घास को देख के खुश हैं. दे आल्सो लव द ब्राइट लीव्स दैट फॉल फ्रॉम द ट्रीज एंड फ्लाई विथ ब्रिज. ब्रिज मीन्स होता है हवा. ब्रिज मीन्स क्या होता है? हवा. बट एज ही वॉच्ड इल्डर ब्रदर बिगन टू वरी. लेकिन क्या हुआ, यह सब देखने के बाद वो जो इल्डर ब्रदर थे वो क्या हो गए? दुखी हो गए. अब दुखी क्यों हो गए? सम डे दीज चिल्ड्रेन मे बी सैड ही थॉट. उन्होंने ये सोचा कि कुछ सम डे, सम का मतलब होता है कुछ दिनों के बाद ये बच्चे मे भी उदास भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं. वो क्यों? ही थॉट दे मे फॉल इल और मे गेट कोल्ड इन द स्नो और बी ब्लो अबाउट बाय हार्श विंड. आज मैं आप लोगों को यहाँ तक की कहानी भी फिर से समझा रही हूँ और रीडिंग भी करवा रही हूँ, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी. आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन आप इसे रीड भी कीजिएगा. तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं. बट एज ही वॉच्ड इल्डर ब्रदर बिगन टू वरी. इल्डर ब्रदर जो थे वो दुखी क्यों हो गए? समडे दी चिल्ड्रेन मे बी सैड ही थॉट. उन्होंने यह सोचा जो ये जो बच्चे हैं ये कहीं दुखी भी हो सकते हैं, क्योंकि दे मे फॉल इल और मे गेट कोल्ड इन द स्नो. क्योंकि वो जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो उस बारिश में खेल रहे थे, घूम रहे थे. यह सब देख के वो पहले तो खुश हुए, लेकिन बाद में वो दुखी इसलिए हो गए. उन्होंने सोचा जो कहीं ये बीमार न पड़ जाए, कहीं इन्हें ठंड न लग जाए, यह सब सोच के वो क्या किए, वो दुखी हो गए. हार्श विंड का मतलब, हार्श विंड जो होता है बेटा वो क्या होता है, आप लोगों के वर्ड मीनिंग भी मैं आप लोगों के इधर भी कुछ वर्ड मीनिंग है. जैसे यहाँ पे है लीजेंड का मतलब होता है पारंपरिक कहानी. क्रिएटेड मीन्स बनाया. ब्रिज मीन्स होता है हवा. ब्लेड्स ऑफ ग्लास इसका मतलब होता है घास का पत्ता. फ्लूटर मीन्स होता है फड़फड़ाना. तो ये तो आपके मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, लेकिन कुछ वर्ड्स मीनिंग्स मैं आप लोगों को इसमें से भी लिखवाऊंगी जो कि आप लोग लर्न कीजिएगा. अभी मैं आप लोगों को यहाँ तक जो रीडिंग करवाई हूँ, पहले आप इसे रीडिंग कीजिएगा और इसका अर्थ भी समझिएगा. द कलरफुल बटरफ्लाई, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें जो है पारंपरिक कहानी के बारे में बताया गया है, जो जिसे कि हम लोग एक मनगढ़ंत कहानियाँ भी बोलते हैं, जो कि ऐसा करते तो ऐसा होता, जैसे कि जिसे हम इमेजिन भी बोल सकते हैं. तो चलिए अब जो इसके नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो भी पैराग्राफ है उसे मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी. थैंक यू.